हाई एंड वेलकम टू द मॉड्यूल ऑन लॉज ऑफ मोशन प्रॉब्लम्स पार्ट वन तो आज हम देखेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम ओवर है सो द प्रॉब्लम्स इज अ फाइव थाउजेंड के जी रॉकेट इज सेट फॉर फायरिंग सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग तो एक रॉकेट है उसका मास कितना दिया गया है मास ऑफ द रॉकेट इज फाइव थाउजेंड के जी Okay? Now, the exhaust speed is 800 meter per second. So speed of the exhaust over here is 800 meter per second. Further the question says to give an initial upward acceleration of 20 meter per second square, the amount of gas ejected per second,

अपवर्ड एसोलेशन ए है एंड वी ऑल्सो हियर तो नेट एसोलेशन क्या हो जाता है ए नेट वाइल गोइंग अपवर्ड्स इज नथिंग बट जी प्लस ए ठीक है जी प्लस ए तो कहना है सो ए नेट विल बी थर्टी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर पूछा है क्या ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड सप्लाई द नीडेड थ्रस्ट। सो अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डीएम बाय डी टी अमाउंट ऑफ गैस पर सेकेंड ठीक है नाउ डू वी ऑल नो फोर्स इज इक्वल टू एम ए ये पता है सबको इसको हम लिख सकते हैं एम इन टू डीवी बाई डी टी वाई बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल गेव एसलेशन इसको हम लिख सकते हैं वी इंटू डीएम बाई डी टी ठीक है इसको हम क्या लिखेंगे वी इन टू डी एम बाई डी टी सो अल्टीमेटली हमें क्या पता चला एम ए कैन बी रिटर्न एज वी इंटू डी एम बाई डी टी और क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें डीएम बाई डी टी पूछा है ठीक है तो हम क्या करेंगे इन दोनों को इक्वेट करेंगे कैसे इक्वेट करेंगे

फाइव थाउजेंड के जी एक्सलेशन इज थर्टी और वेलोसिटी कितना दिया है एट हंड्रेड दिया है ओके सो यहाँ पे हम लिखेंगे एट हंड्रेड ये दो जीरो चले जाएंगे सो so हमें क्या मिलेगा फिफ्टी अपॉन एट इन टू थर्टी ठीक है इसको हम लिख सकते हैं ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर राइट फिर क्या करेंगे टू टू जा फोर टू फिफ्टीन जा, थर्टी सो ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टीन डिवाइडेड बाई टू करना है राइट right? सो so, क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टीन कितना हो जाएगा कहना है थ्री सेवेंटी फाइव सो थ्री सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टू विल बी इक्वल टू डीएम बाई डी टी राइट अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा क्या ना से वन एटी सेवन पॉइंट फाइव आ जाएगा वन एटी सेवन पॉइंट फाइव यूनिट क्या हो जाएगा इसका के जी पर सेकेंड क्यों क्योंकि मास का यूनिट के जी होता है और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड सो so, वन एटी सेवन पॉइंट फाइव के जी पर सेकेंड कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये देखो बी ऑप्शन जो है सेकेंड ऑप्शन वन एटी सेवन पॉइंट फाइव के जी पर सेकेंड ठीक है सुवर ही द करेक्ट आंसर वन एटी सेवन पॉइंट फाइव के जी पर सेकेंड बी ऑप्शन ठीक है ये क्लियर है ओके वील मूव ऑन टू नेक्स्ट वन अ ब्लॉक केप्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस लेस इंक्लाइंस तो एक फ्रिक्शनलेस लेस है इनक्लाइंड सर्फिस विथ एंगल ऑफ इंक्लेनेशन एल्फा तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लेनेशन कितना दिया गया है एल्फा यह इंक्लाइंड सर्फिस है दिस इज अ फ्रिक्शन लेस सर्फेस तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं आएगा तो इस ब्लॉक को ये इनक्लाइन के ऊपर ये ब्लॉक दिख रहा है इस ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए ताकि ये मूव ना हो इसको स्टेशनरी रखने के लिए क्या किया गया है इनक्लाइन को वी है फॉरवर्ड डिरेक्शन ओके तो यहाँ पे क्या पूछा है बेसिकली ए की वैल्यू पूछी है ए इज इक्वल टू वट सो वी आर आस्ट द वैल्यू ऑफ ए और अगर आप ऑप्शन से देखोगे तो ए को जी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है ठीक है जी और एल्फा में एक्सप्रेस करना है सो so वह सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्लॉक के ऊपर सारे फोर्सेस बनाएंगे ठीक है सो so ब्लॉक के ऊपर सारे फोर्सेस बनाएंगे सबसे पहले इंक्लाइन कहा जा रहा है आगे की तरफ विद एसलेशन ए सो कैन आई से ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स आएगा पीछे की तरफ राइट विच विल है सेम एसलेशन ए एम क्या हो जाएगा मास ऑफ द ब्लॉक तो यह स्यूडो फोर्स क्या हो जाएगा एम ए हो जाएगा इन दिट डन ठीक है तो एसिलेशन का मैग्नेट्यूड सेम होगा डिरेक्शन ऑपोजिट होगी ओके नाउ नीचे की तरफ क्या आएगा एम जी यहाँ पर आएगा नॉर्मल रिएक्शन एम जी को हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स बनाएंगे ठीक है एम जी के कंपोनेंट्स बनाएंगे वी हैव एम जी कॉस थीटा कॉस एल्फा एंड एम जी साइन एल्फा ठीक है इंक्लिनेशन अल्फा है ना यहाँ पे तो एम जी कॉस अल्फा एंड एम जी साइन अल्फा नाओ कन से यहाँ पर भी हम एक फोर्स बना सकते हैं इन लाइन विथ एम जी साइन अल्फा कौन सा फोर्स आ जाएगा एम एम ए का कंपोनेंट आएगा कौन सा कंपोनेंट आएगा किन से यहाँ पे अल्फा है सिमिलरली ये भी सेम होगा अल्फा होगा राइट right? तो हमें ये कंपोनेंट जानना है कौन सा होगा ये केना से एमए कॉस एल्फा हो जाएगा क्यों एमए कॉस एल्फा थीटा के बाजू वाला कंपोनेंट कौन सा होता है कॉस कंपोनेंट ओके okay, सो so, थीटा के बाजू वाला कंपोनेंट हो जाएगा कॉस कंपोनेंट सो दिस विल बी नथिंग बट एम ए कॉस एल्फा ना हो कैन आई से एम ए कॉस एल्फा एंड एम जी साइन एल्फा आर इन लाइन विथ ईच अदर तो ये दो फोर्सेस क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे तो हम यहां लिखेंगे एम ए कॉस एल्फा इज इक्वल टू एम जी साइन एल्फा राइट मेक सेंस एम एम कैंसल हो जाएगा कैन आई से ए इज इक्वल टू जी इन टू साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा समझा है साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन एल्फा हो जाएगा सो ए इज इक्वल टू जी टेन एल्फा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा बॉम्बे ऑप्शन एसलेशन इज इक्वल टू जी टेन एल्फा क्लियर है ओके सो वी लुक एट द थर्ड क्वेश्चन नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है टू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस टू के जी एंड थ्री के जी रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट टेन पॉइंट एट न्यूटन पर मीटर एंड आर प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस तो क्या क्या बताया है हमें दो ब्लॉक्स है रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स है ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी ब्लॉक ए का मास टू है और ब्लॉक बी का मास कितना है थ्री के जी दिया है नाउ दे आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर यहाँ पे ये स्प्रिंग है स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है टेन पॉइंट एट तो के होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लिखेंगे न्यूटन पर मीटर एंड आर प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शन लेस सर्फिस तो ये सर्फिस पे फ्रिक्शन नहीं है नाउ ब्लॉक ए वॉज गिवन रिजोंटल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.15 पॉइंट वन फाइव मीटर पर सेकेंड इन द डेक्शन शोन इन द फिगर तो फिगर में क्या डिरेक्शन बताया है ऐसे सामने की तरफ आगे की तरफ फॉरवर्ड वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज गिवेन एज 0.15 पॉइंट वन फाइव मीटर पर सेकेंड क्लियर है इन द फॉरवर्ड डिरेक्शन अब पूछा गया है हमें मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग ड्यूरिंग द मोशन मोशनज तो स्प्रिंग का कंप्रेशन पूछा है सो कैन आई से ये ब्लॉक ए को अगर हम फॉरवर्ड वेलोसिटी देंगे मतलब ये इस तरफ आगे बढ़ेगा सो कैन आई से यहाँ पे ये स्प्रिंग थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा छोटा हो जाएगा राइट सो द स्प्रिंग विल गेट कंप्रेस्ड इफ वी प्रोवाइड अ फॉरवर्ड हॉरिजोंटल वेलॉसिटी टू ब्लॉक ए तो हमें पूछा है स्प्रिंग कितने से कंप्रेस होगा कितने डिस्टेंस से कंप्रेस होगा सो लेट अस से तो स्मॉल एक्स हो जाएगा हमारा कंप्रेशन जो हमें क्वेश्चन में पूछा है नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे अगर आप देखो तो कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है राइट देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम सो कैन आई से मोमेंटम विल बी कंजर्व

फाइनल मोमेंटम में कैन आई से ये ब्लॉक बी और ब्लॉक ये दोनों कनेक्टेड है वाया द स्प्रिंग स्प्रिंग से कनेक्टेड है दोनों सो so, अगर ब्लॉक ए आगे जा रहा है तो कैन आई से ब्लॉक बी भी आगे जाएगा राइट right? सो so, यहाँ पर क्या होगा कि ब्लॉक ए का जो मोमेंटम है दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा एम ए प्लस एम बी इंटू फाइनल वेलोसिटी वी क्यूँ एम ए प्लस एम बी बिकॉज जिस वेलॉसिटी से ए आगे जाएगा उसी वेलॉसिटी से बी भी जाएगा वाई बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर सो यहाँ पर हम लिखेंगे एम ए प्लस एम बी इंटू वी वी इज वन कॉमन वेलॉसिटी जिससे दोनों आगे जाएंगे ना हो वील सब्सिट्यूट द वैल्यूज एम ए इज टू के जी और एम बी थ्री के जी है यू ए कितना है जीरो पॉइंट वन फाइव मीटर पर सेकेंड सो इससे हमें क्या मिल जाएगा वी की वैल्यू मिल जाएगी सो so, एम को हम लिखेंगे टू यू ए कितना है फिफ्टीन बाई हंड्रेड लिख सकते हैं जीरो पॉइंट वन फाइव को ठीक है so, सो इसको मैंने फिफ्टीन बाई हंड्रेड लिखा एम ए इज टू एम बी इज थ्री ओवर है इन टू वी सो so, क्या मिलेगा थर्टी अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू फाइव वी फाइव सिक्स थर्टी हो जाएगा सो so, वह v इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स मीटर पर सेकेंड ठीक है सो दोनों ब्लॉक जीरो पॉइंट जीरो सिक्स मीटर पर सेकेंड से आगे जाएंगे एक कॉमन वेलोसिटी से वो दोनों साथ में आगे जाएंगे ओके okay? ना Can I say, ये सिस्टम का जो इनिशियल एनर्जी था इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट वॉज ओनली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ब्लॉकेर वी क्या होगा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक है, सो इनिशियली सिस्टम के पास क्या एनर्जी थी ओनली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ब्लॉके सो वील राइट आई ई आई विल करस्पॉन्ड टू इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच वॉज ओनली काइनेटिक कानेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉके फाइनल एनर्जी क्या हो गई सिस्टम की फाइनल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या हो जाएगा हाफ एम ए प्लस एम बी इंटू वी स्क्वेयर एक कॉमन वेलोसिटी जिससे दोनों आगे बढ़ेंगे एम ए प्लस एम बी इंटू वी स्क्वेयर ठीक है सो फाइनल एनर्जी विल बी इक्वल टू ई एफ विच विल बी इक्वल टू हाफ एम ए प्लस एम बी इन टू वी स्क्वेयर, वी इज दैट कॉमन वेलोसिटी जिससे दोनों आगे बढ़ रहे हैं विच इज जीरो पॉइंट जीरो सिक्स मीटर पर सेकेंड ना ओ कि ना इसे बीच में यहाँ पे स्प्रिंग भी है स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियली क्या हो रहा था ब्लॉक ए जा रहा था आगे विथ वेलोसिटी वी फिर क्या हुआ दोनों एक साथ जाने लगे आगे विथ वेलोसिटी वी और ये स्प्रिंग भी कंप्रेस हुआ सो so, यहाँ पे आ जाएगा स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी सो वील राइट ओवर हियर प्लस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन बाय हाँ हाफ के एक्स स्क्वायर समझा ओके So, over here, can I say initial energy will be equal to final energy according to conservation of energy? So, half ma ua square will be equal to half ma plus mb into v square plus half k x square. Initial energy will be equal to final energy. Clear? अब हाफ कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट वी आर लेफ्ट विथ एम ए विच इज टू यू ए कितना था फिफ्टीन बाय हंड्रेड दिस विल बी इक्वल टू एम ए प्लस एम बी टू प्लस थ्री फाइव इंटू वी स्क्वायर वी क्या था हमारा वी हमने निकाला था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से वी वॉज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स जिसको हम लिख सकते हैं सिक्स बाय हंड्रेड ओके, सो वील राइट ओवर यिक्स बाय 100 का स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर के कितना था 10.8 न्यूटन पर मीटर इंटू एक्स स्क्वायेर जो हमें ढूंढना है कंप्रेशन इन द स्प्रिंग ओके सो इसको हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 हंड्रेड का स्क्वायर हो जाएगा टेन रीज टू फोर दिस विल बी इक्वल टू फाइव इंटू सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स अगेन हंड्रेड का स्क्वायर टेन रीज टू फोर प्लस टेन पॉइंट एट इंटू एक्स स्क्वायर समझा इतना ओके नाउ टू ट्वेंटी फाइव इंटू टू कितना हो जाएगा फोर फिफ्टी हो जाएगा ओके फोर फिफ्टी अपॉन टेन रेज टू फोर माइनस फाइव इंटू थर्टी सिक्स कितना हो जाएगा वन एट्टी सो माइनस वन एट्टी अपॉन टेन रेज टू फोर इज इक्वल टू टेन पॉइंट एट इंटू एक्स स्क्वायर ना फोर फिफ्टी माइनस वन एट्टी कितना हो जाएगा टू सेवेंटी टू सेवेंटी हो जाएगा अपॉन टेनरेज टू फोर इज इक्वल टू टेन पॉइंट एट एक्स तो हम लिखेंगे टू सेवेंटी अपॉन टेन रेज टू थ्री इंटू टेन टेन रेज टू फोर को मैंने क्या लिखा टेन रेज टू थ्री इंटू टेन ठीक है इंटू टेन पॉइंट एट इसको मैंने नीचे ले लिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर सो नाउ वी हैव टू सेवेंटी टू सेवेंटी अपॉन टेन रेज टू थ्री इंटू वन जीरो एट ठीक है टेन इंटू टेन पॉइंट एट किया मैंने तो वन जीरो एट हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे किससे जाएगा नाइन से ट्वेल्व एंड थर्टी हो जाएगा सो सिक्स फाइव जार थर्टी सिक्स टू जै ट्वेल्व टू पॉइंट फाइव आ जाएगा टू पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू कितना हो जाएगा ऊपर चले जाएगा ये तो टेन रेज टू माइनस थ्री हो जाएगा इज इक्वल टू एक्सर सोनाज टू माइनस फोर राइट ट्वेंटी माइनस फोर लिख सकते हैं हम इसको दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्त एक्स क्या हो गया हमारा ट्वेंटी फाइव का रूट फाइव और टेन रेज टू माइनस फोर का रूट टेन रेज टू माइनस टू समझा है ये सो अल्टीमेटली एक्स की क्या वैल्यू मिल गई हमें फाइव इंटू टेन रेज टू माइनस टू और वी कैन राइट दिस एज फाइव सेंटीमीटर ठीक है फाइव सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं हम सो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन होगा हाँ फाइव इंटू टेन रेज टू माइनस टू मतलब जीरो पॉइंट जीरो फाइव हो जाएगा सो so, क्या ना इसे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मीटर्स में है ना जीरो पॉइंट जीरो फाइव मीटर्स थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्लियर है ये समझा ओके नाउ वी लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन में थ्री ब्लॉक्स विथ मासेस एम टू एम एंड थ्री एम आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स एज शोन इन द फिगर तो यहां पर फिगर में देखो तीन ब्लॉक्स हैं हैविंग मासिज एम टू एम एंड थ्री एम एंड दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स नाउ आफ्टर एंड अपवर्ड फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक स्मॉल एम तो जो एम है उसके ऊपर हमने क्या किया अपवर्ड फोर्स अप्लाई किया है दिस ओवर हेयर इज द अपवर्ड फोर्स कैपिटल एफ द मासज मूव अपवर्ड विद कॉन्स्टेंट स्पीड वी तो ये सारे मासेस क्या कर रहे हैं ऊपर जा रहे हैं विथ स्पीड वी ठीक है ये सब ऊपर जा रहे हैं नाउ द क्वेश्चन इज वॉट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास टू g जी इज द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो क्या पूछा है क्वेश्चन में नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास टू एम सो टू एम वाला ब्लॉक कहाँ पे है ये देखो दिस ब्लॉक ओवर हियर दिस ब्लॉक हैज मास टू एम इसके ऊपर हमें नेट फोर्स पूछा है ठीक है नेट फोर्स पूछा है सो कैन आई से क्वेश्चन में क्या दिया है सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है थ्री ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स अपवर्ड फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक स्मॉल एम एंड द मास इज मूव अपवर्ड एट कॉन्स्टेंट स्पीड वी तो क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि मासेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं विथ सम कॉन्स्टेंट स्पीड वी तो अगर यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है स्पीड कांस्टेंट है सो कैन आई से एक्सेलरेशन क्या होता है डी वी बाई डी टी मतलब डेरिवेटिव ऑफ स्पीड डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। नाउ डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो अगर वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा राइट right? कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है मीनिंग यहाँ पर अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सो so हम लिखेंगे नेट फोर्स ऑन मास टू एम ठीक है एफ नेट ऑन टू एम पूछा क्या है नेट फोर्स ऑन मास टू एम वॉट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास टू एम तो हम लिखेंगे नेट फोर्स ऑन टू एम विल बी इक्वल टू एम ए मास इन टू एसेलरेशन मास कितना है टू एम है ब्लॉक का एसेलरेशन कितना है जीरो है सो कैन आई सेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक विल बी जीरो नेट फोर्स क्या हो जाएगा ब्लॉक पे जीरो हो जाएगा राइट right? तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा जीरो हो जाएगा नेटफोर्स क्यों जीरो हो जाएगा समझा बिकॉज नेट एसिलेशन विल बी जीरो कैसे पता चला बिकॉज वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है राइट सो एसलरेशन जीरो है इसीलिए फोर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सो ऑप्शन सी जीरो इज द करेक्ट आंसर ये भी क्लियर है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टू मासस एम वन इज इक्वल टू वन के जी एंड एम टू इज इक्वल टू टू के जी आर कनेक्टेड बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ अ वेटलेस पुली एज शोन इन द फिगर तो फिगर देखो ये दो ब्लॉक्स हैं इन दोनों को एक वेटलेस पुली से कनेक्ट किया गया है इस ब्लॉक का मास वन के जी है और इस वाले का टू के जी है अज्यूमिंग दैट बोथ द मास स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई द सेंटर ऑफ मास इन टू सेकेंड्स तो हमें क्या पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एंटायर सिस्टम इन टू सेकेंड्स तो हमें डिस्टेंस ढूंढना है सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे एसेलरेशन ढूंढेंगे इस सिस्टम का केनाई से एसेलरेशन विल बी इक्वल टू एसलेशन क्या हो जाएगा कहनाई से यहाँ पे क्या है टेंशन यहाँ पे वन जी आ जाएगा और यहाँ टू जी आ जाएगा ओके okay? ना यहां पर क्या हो जाएगा टू जी इज हेवियर देन वन जी तो ये टू जी वाला जो ब्लॉक है वो नीचे जाएगा और वन जी कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा सो so, ये सेकेंड वाले ब्लॉक के लिए हम क्या लिख सकते हैं टू जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू टू ए क्यों टू जी माइनस टेंशन क्योंकि नीचे वाला फोर्स जो है वो बड़ा है राइट right? सो so, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स विल गिव रिजल्टेंट फोर्स अगेन इसके लिए क्या हो जाएगा नेट फोर्स ऊपर है मतलब ऊपर वाला फोर्स बड़ा है तो टेंशन माइनस वन जी इज इक्वल टू वन ए इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा टेंशन टेंशन चला जाएगा सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ टू जी माइनस वन जी तो वन जी हो गया इज इक्वल टू टू ए प्लस वन मतलब थ्री सो एसिलेशन क्या हो गया जी बाय थ्री हो गया जी बाई थ्री इज देशन ऑफ दीज ब्लॉक्स पर हमें क्या पूछा है वी हैव बीन आज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास इन टू सेकेंड तो हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ट्रेवल्ड चाहिए उसके लिए वी विल फर्स्ट फाइंड एसेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास राइट एसेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढेंगे एसेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू अपॉन एम वन प्लस एम टू राइट इसी तरह हम ढूंढते हैं एसेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वन क्या है वन सो वन इंटू acceleration एसेलेशन वो बोथ ऑफ देम दी बाई थ्री राइट दोनों का एसेलरेशन सेम है विच इज जी बाय थ्री सो वन इन टू जी बाय थ्री प्लस टू इन जी बाय थ्री राइट डिवाइडेड बाय वन प्लस टू थ्री हो जाएगा बट देर इज अ ट्विस्ट है इस डायग्राम को ध्यान से देखो कैन आई से एसेलरेशन इज अ वेक्टर, राइट वेक्टर है एसलरेशन तो तो हम डिरेक्शन भी देखेंगे नाउ दिस ब्लॉक ऑफ टू के जी मास इज गोइंग डाउन वाइल ब्लॉक ऑफ वन के जी मास इज गोइंग अप तो केनाई से दोनों का एसिलेशन क्या है उल्टी डिरेक्शन में है इक्वल इन मैग्नेट्यूड बट ऑपोजिट इन डिरेक्शन तो हम क्या करेंगे यहां पर माइनस साइन डाल देंगे क्यों माइनस साइन डालेंगे बिकॉज एसिलेशन ऑफ वन के जी मास इज इन ऑपोजिट डिरेक्शन टू दैट ऑफ टू के जी मास समझा है ओके okay. तो यहां पे क्या हो जाएगा टू जी बाय थ्री माइनस वन जी थ्री सो ए सी एम विच इज एसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू वन जी बाय थ्री अपॉन थ्री ये भी थ्री है ना नीचे विच विल बी इक्वल टू वन जी बाय नाइन सो सेंटर ऑफ मास का एसलेशन हमें मिल गया जी बाय नाइन क्लियर है अब क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास इन टू सेकेंड्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास तो कनाई से हम सेकेंड काइनामेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र ठीक है इससे हमें क्या मिलेगा डिस्टेंस बट कैनाई से ये ब्लॉक्स ने रेस्ट से अपनी जर्नी स्टार्ट की है तो यू क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा सो एस विल बी इक्वल टू हाफ ए सी एम इन टी स्क्र तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास एसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना मिला था हमें जी बाय नाइन और टाइम क्या दिया गया है क्वेश्चन में टाइम ओवर हियर इज टू सेकेंड्स सो यहां पर हम लिखेंगे जी बाय नाइन इंटू टू का स्क्वायर हो जाएगा तो फोर हो जाएगा टू टू सा फोर सो कैन आई से टू जी बाय नाइन हो जाएगा ए सी एम सॉरी एस एस सी एम सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास इज इज नथिंग बट टू जी बाय नाइन ठीक है टू जी बाय नाइन और यहाँ पर क्या दिया है टेक जी एस टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर सो टू जी बाय नाइन को हम क्या लिख सकते हैं टू इंटू टेन बाय नाइन हो जाएगा राइट right? जी को हमने टेन लिया है सो ट्वेंटी बाय नाइन विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सेंटर ऑफ मास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा टू टू जी बाय नाइन विच इज ट्वेंटी बाय नाइन मीटर्स ठीक है सो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन ट्वेंटी बाय नाइन मीटर्स क्लियर है ओके सो विद दिस वी फिनिश लॉज ऑफ मोशन प्रॉब्लम सेट वन थैंक यू